हेलो फ्रेंड, डीके मौर्य क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले उत्तर दर्पण, उत्तर दर्पण में अंतर क्या है, पूरी डिटेल में बात करें। वीडियो शुरू करते हैं। इसमें परावर्तक सतह क्या होती है, धसी होती है। उत्तर दर्पण में इसमें परावर्तक सतह क्या होती है, धसी हुई होती है। धसी हुई होती है, ये ऐसा इसमें चित्र बनेगा। ऐसा इसमें परावर्तक सतह क्या होता है, धसी रहती है। इसमें क्या होता है, परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ होता है। ये ऐसा चित्र बनेगा यहाँ पे, ये उसके उल्टा बनेगा। और उभरे भाग पर पॉलिश किया रहता है, धसे भाग पर पॉलिश किया रहता है, धसे भाग पर पॉलिश किया रहता है। वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में। उत्तर दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तर दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। एक बार इसको रिविजन कर देते हैं। अवतल दर्पण इसमें परावर्तक सतह सतह धसी होती है, उत्तर दर्पण में इसमें परावर्तक सतह उभरी होती है, उभरे भाग में पॉलिश किया रहता है। इसमें उत्तर दर्पण में धसे भाग पर पॉलिश किया रहता है। अवतल दर्पण में तीसरा पॉइंट, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तर दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू जय हिंद।